गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी स्टार्ट नाउ टॉपिक ऑफ ऑक्टेट रूल. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने सबसे पहले देखा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. उसके बाद में हमने देखा केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड. देन हमने स्टडी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल. आपको नाम देखने से क्या लग रहा है, ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट मतलब एट. ऐसे कोई भी स्पीसी या ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगी. ऐसे कोई भी स्पीसी जिसके आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगी. अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो क्यों करवाते हैं हम, ऑक्टेट रूल फॉलो करना जरूरी है क्या? हाँ जी, जरूरी है. क्यों? क्योंकि कोई भी स्पीसी है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मोर स्टेबल होती है. इसलिए हमें ऑक्टेट रूल को, हर एक स्पीसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से करे या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से करे. ठीक है, तो देखो बच्चों, हम बात कर लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिया नाइट्रोजन. ठीक है, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. 1s2 2s2 2p3, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का. एटॉमिक नंबर होता है इसका 7 एंड एटॉमिक मास होता है 14. तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, आउटर मोस्ट 2 वाला तो 3+2 इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, इसका भी सेम ही होगा 5-5 इलेक्ट्रॉन. एक बात करते हैं, यहाँ पे लुईस सिंबल क्या होता है. लुईस सिंबल, तो देखो बच्चों, अपन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता चल गया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट की फॉर्म में, उनको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही लुईस सिंबल होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ले रखा है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन. तो इसको डॉट के फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने इनको डॉट के फॉर्म में दिखा दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. तो ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं लुईस सिंबल, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो लुईस सिंबल आप किसको बोलते हो, डॉट फॉर्म ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहां पे ये वाला नाइट्रोजन है, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5. अब आप इस एटम को देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, इसके पास में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. 5+3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ये वाला है, इसके पास भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो देखो ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे. अब देखो बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन या तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देगा. ठीक है, इसको शेयरिंग कर लेंगे, जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शेयरिंग कर लेंगे. ये बोलेगा कि आप 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, लेकिन ये क्या बोलेगा कि अगर मैं आपको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये स्पीसी अनस्टेबल बन जाएगी. ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि आप इनकी शेयरिंग कर सकते हो, कि मेरे भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे भी हो जाएंगे. तो देखो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की नाइट्रोजन एटम ने शेयरिंग कर ली. इसके बाद में ये वाला नाइट्रोजन एटम है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इन्होंने बोला कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन की मेरे वालों की शेयरिंग हो रही है, तो तुम्हारे वाले 3 इलेक्ट्रॉन है उनकी भी शेयरिंग कर लेते हैं. जो 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं वो मेरे भी माने जाएंगे और तुम्हारे भी माने जाएंगे. तो देखो बच्चों, इसने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली. अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, ये वाला नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 शेयरिंग कर लेना इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसको बोलना चाहिए था, हम क्या बोल सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शेयरिंग से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का कम्प्लीटली जहाँ पे ट्रांसफर होता है वहां बनता है आयनिक बॉन्ड। देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, जिसको आप लोन पेयर बोलते हो, ठीक है। ये आपकी नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बन गई और ये स्टेबल इनका कॉन्फिगरेशन है, क्योंकि दोनों एटम्स में क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे ऑक्टेट रूल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की NaCl, NaCl, तो देखो बच्चों सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लोरीन का भी लिख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 17 होता है इसका एटॉमिक, ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो देखिए आप मेरे को ये बताइए, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 3 वाला है तो 1 इलेक्ट्रॉन, इससे अंदर की साइड में चलो 2 वाले में कितने हैं, 6 प्लस 2, 8 इलेक्ट्रॉन, इससे अंदर की साइड में चलो 1 वाले में कितने हैं, 2, तो 2, 8, 1, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं 3 वाले में कितने हैं आउटर मोस्ट शेल, 5 प्लस 2, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इससे अंदर 2 वाले में गए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, अंदर की साइड में 1 वाले में आए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब यहाँ पे आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना है, मैंने क्या बोला, सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़ के कोई भी स्पीसी है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती है या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करती है। इनर्ट गैस में ऑलरेडी ऑक्टेट रूल होता है, उसमें ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो स्टेबल ऑलरेडी होती है, तो किसी और स्पीसी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहेगी, ठीक है। अब देखो, या तो मैं यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, या इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दूं, तो कौन सा ज्यादा इजी है, या तो इसमें क्या करूंगी 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2, 8, या इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दूं तो वहां पे 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे या 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2, 8, 8, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी को तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2, 8। तो देखो बच्चों, कौन सा इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना कहीं से इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, डोनेट करना 1 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर देगा, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब देखो यहाँ पे इसको वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या तो ये सेवन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, किसी को डोनेट करेगा, या वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो कौन सा इजी है? वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो देखो मैंने NaCl दोनों एटम्स को पास पास में रख दिया, ये देखो ये मैंने यहाँ पे Na रख दिया, यहाँ पे क्लोरीन रख दिया, ठीक है। अब देखो सोडियम है उसके पास में वन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन के पास में सेवन इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये देख लीजिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देगा। अब देखना यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो रहा है वैसे जनरली, पर आपको मतलब कि ऐसे दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट। जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने दिखाया था कि बॉन्ड की शेयरिंग होते हुए इलेक्ट्रॉन्स की जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से का होता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक फॉर्म में बॉन्ड बनता है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग नहीं होती यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की, कि दोनों का नहीं माना जाएगा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो, यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। जो सोडियम एटम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली क्लोरीन को डोनेट कर देगा, और क्लोरीन 1 एटम कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेगा। तो क्लोरीन के ऊपर तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब देखो आयंस बन रहे हैं, आयंस के कारण इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कम्प्लीटली ट्रांसफर कर रहा है और एक कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कम्प्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, और इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड में आप क्या बोल सकते हो, कंप्लीटली ट्रांसफर, ये ध्यान रखना, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने 4 एग्जांपल ले लिया, O2 मैंने यहाँ तो लिखा, O2 यहाँ लिखा ऑक्सीजन, इन दोनों में से कौन सी मोर स्टेबल स्पीसी है? ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये एटम है, और ये क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूल है। एटम और मॉलिक्यूल में से कौन सी मोर स्टेबल स्पीसी होती है? एटम में तो क्या होता है, ऑक्टेट रूल कम्प्लीट ही नहीं है, और मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्टेट रूल कम्प्लीट होता है। तो ये वाली यहाँ पे वैसे भी मॉलिक्यूल होता है मोर स्टेबल होता है एटम की बजाय, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। तो देख लीजिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 4 plus 2 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लुईस सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। लुईस सिंबल की फॉर्म में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, लुईस सिंबल होता है। तो डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए इनको, 6 इलेक्ट्रॉन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, कितने हो गए इसके पास में इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल कॉन्फिगुरेशन हो गया इसका। यहाँ पे देखिए ये भी क्या करेगा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग करवाई, तो यहाँ से ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या बन गई, आपकी स्टेबल स्पीसी बन गई। अब देखो यहाँ पे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 1, 2, 3, 4,
टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और लोन पेयर देख लीजिए कितना है, इनके बीच वजह से तो शेयरिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एक तो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, एक ये यहाँ पे दूसरा लोन पेयर, ऐसे इसमें भी, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की लुईस नोट स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे CH4, ये तो सेम एटम्स लिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे ले लिया CH4, मेथेन। ठीक है, अब देखो ये कार्बन है, कार्बन के आउटर सबसे पहले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 वाले में कितने, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, कर लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है उसको लुईस सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका लुईस सिंबल है कार्बन का। उसके बाद में हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे प्रेजेंट, 4 हाइड्रोजन, ये देखो बच्चों 1 हाइड्रोजन, ये सेकंड और ये थर्ड, ये साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करते जा रही हूँ मैं इसके, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है वो इसको चाहिए, और हाइड्रोजन है उसको टोटल अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन एक रूल होता है ऑक्टेट के अलावा, मैंने एक आपको डबलेट रूल भी बताया था, या डुप्लेट रूल भी बोल सकते हो, डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी स्पीसी के आउटर मोस्ट सेल में अगर इनर्ट गैस, हीलियम का कितना है, 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 होता है ना, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो स्टेबल होती है, तो स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि वो डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। तो कई बार स्पीसी क्या होती है, डुप्लेट स्पीसी है वो क्या होती है, वो भी स्टेबल होती है, उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर इनर्ट गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक जो इनर्ट गैस है उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन उसका पॉसिबल हो रहा है, तो वो क्या होगी, स्टेबल होगी और डुप्लेट रूल को फॉलो करेगी। जैसे हाइड्रोजन की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हाइड्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी देना इम्पॉसिबल सा है, देखो कहीं से भी नहीं ले सकता, कार्बन के साथ में भी शेयरिंग करवा पाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में खुद की शेयरिंग करवाएगा, तो सिर्फ कार्बन भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कार्बन को देखिए, कार्बन को टोटल कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, चारों हाइड्रोजन के जो 1-1 इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में शेयरिंग कर लेगा, और यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन के तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन तो स्टेबल हो गया। अब बात आई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है इसके साथ में, तो सिर्फ कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयरिंग करेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस हाइड्रोजन के, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल स्पीसी बन गई, ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कार्बन तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है सारे के सारे किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया डुप्लेट रूल क्या होता है, कोई भी स्पीसी है वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करे तो वो क्या होती है, स्टेबल स्पीसी होती है, या उसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन हो और इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो क्या होती है, डुप्लेट रूल को फॉलो करती है, और वो स्पीसी भी हम स्टेबल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH2,
CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने पूछ ली कि इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कीजिए। वैसे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, ठीक है। और इसका वैसे आयुपक नेम बताओगे तो क्या बताओगे, टू कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, एक यूज करते हो, और डबल बॉन्ड है तो इन यूज करोगे तो क्या बोलोगे इसको, एथीन, ठीक है। टू कार्बन जब आते हैं तो एक यूज करते हो और डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हो तो इसका नाम क्या होगा, एथीन। अभी इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखा दीजिए। ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अभी अभी हमने देखे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने अटैच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन देख लीजिए और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इधर सेकेंड हाइड्रोजन लीजिए, ये ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये वाला जो कार्बन है इसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है, इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन की शेयरिंग करवा दीजिए, ये हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग कर ली कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से। ये वाला हाइड्रोजन भी शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में इधर भी करवा दीजिए हाइड्रोजन की शेयरिंग, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट रूल स्टेबल होगा, ऑक्टेट तो हम करवा नहीं सकते, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कार्बन को देखना ध्यान से, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 1 2 3 4, 4 तो इसके खुद के थे, 2 इधर शेयरिंग से, तो शेयरिंग ये खुद भी तो करेगा इनके साथ में, ठीक है, 5 6, और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये कार्बन का, अब देख लीजिए कार्बन का देख लीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कार्बन के पास में। ऐसे ये वाला कार्बन है, इधर से इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसके शेयरिंग में आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को भी ये अपना मान के चलेगा, और इधर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की इधर इसके साथ में शेयरिंग की है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ये अपने मान के चलेगा, तो इसके पास में भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बीच में देखिए, यहाँ पे तो क्या हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और बीच में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जो ओवरलैप एरिया है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन कार्बन के बीच में, वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो देख लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, ये ले लीजिए। तो ये आपकी एथीन की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप इजीली पता लगा सकते हो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बॉन्ड ऑर्डर हम किसको बोलते हैं, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड जितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया था तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम क्या बोल सकते हैं, 2 होगा। नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था तो हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे N2 जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। वैसे हम बॉन्ड ऑर्डर का जो कंसेप्ट है वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी यहाँ आप देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो हो गई अपनी ऑक्टेट रूल की बात। ऑक्टेट रूल में हमने क्या देखा है, ऑक्टेट रूल में सिर्फ हमने इतना सा देखा है, कोई भी स्पीसी या मॉलिक्यूल जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, ठीक है, और जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट नहीं हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये ऑक्टेट रूल हो गया। उसके बाद में ऑक्टेट रूल मैंने क्या बोला कि ऑक्टेट रूल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनता है उनके बीच में, कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है
तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये हमने ऑक्टेट रूल को देखा, ठीक है। लुईस सिंबल के बारे में आपने देख लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, लुईस सिंबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोरोन का एग्जांपल लूं, यहाँ पे ये बोरोन है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए, 1s2 2s2 2p1। इसके आउटर मोस्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो देखो बोरोन 1, 2 और 3, ये क्या हो गया इसका, इसी को बोलते हैं लुईस सिंबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को लुईस सिंबल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट सॉरी कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया इसका, लुईस सिंबल हो गया। नाइट्रोजन की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, उनको डॉट के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसका नाइट्रोजन को हो गया। लिथियम की हम बात करें तो लिथियम का क्या होता है, 1s2 2s1, आउटर मोस्ट शेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिथियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसका लुईस सिंबल। तो ये मैंने सारे इनके लुईस सिंबल है वो रिप्रेजेंट किए। आप किसी का भी देख सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही लुईस सिंबल कहलाता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है लुईस सिंबल का, जो हमने वैलेंसी कैलकुलेट की थी, जहाँ पे हमने वैलेंसी कैलकुलेट की थी, वो यहाँ पे लुईस सिंबल का ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर डॉट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन 4 है, तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, या तो क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ डॉट स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 4 है, तो क्या बोल सकते हो, वहां पे आप वैलेंस इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस था जो हमने वैलेंसी के बारे में बात की थी। अब देखो बच्चों, कुछ लिमिटेशंस होती है, कोई भी हम रूल पढ़ते हैं उसके ड्रॉबैक भी होते हैं, उसकी लिमिटेशंस भी होती है, तो हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस, ऑफ ऑक्टेट रूल, तो इसकी ओनली 3 लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम। सेकेंड ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक हम बात करेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, ओके। ये इसकी 3 लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। AlCl3, BeCl2, BF3, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके सामने। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। तो कीजिए, आप मेरे को ये बताइए, यहाँ सेंट्रल एटम क्या है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एल्यूमिनियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3s2 3p1, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस इसके साथ शेयरिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे शेयरिंग में, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन तो है क्लोरीन के पास में, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कितने एटम अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, जितने एटम अटैच हो रहे हैं 3, तो इक्वल टू 3,
इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो मैं यही तो बोल रही हूँ, इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं BeCl2 की। बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। प्लस कितने एटम अटैच हो रहे हैं इसके साथ में? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है इस स्पेसी में। ठीक है, BF3 की हम बात करें, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 3 प्लस कितने एटम अटैच है? 3 = 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोल सकते हैं? जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा हो या ऑक्टेट रूल से कम इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं? लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, या ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है। ठीक है, फर्स्ट अपना लिमिटेशन है वो क्लियर हुआ। सेकेंड नंबर क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं NO एंड NO2। अब इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए आप। नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 7। प्लस ऑक्सीजन में 8, तो कितने होंगे टोटल? 15 इलेक्ट्रॉन। ये एक ओड नंबर आ रहा है, 15 ओड नंबर होता है। ठीक है, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है जिसमें ओड ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे देखिए NO2, नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास में 16, ये लीजिए 16, कितना आ जाएगा ये? 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो NO2 जो स्पीसी है वो भी क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट है एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। अब देखो नाम से दिख रहा है एक्सपेंडेड, मतलब 8 से ज्यादा, PCl5 SF6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो 3 आउटर मोस्ट कौन सा है? 3 वाला, तो 2 प्लस 3 काउंट कर लीजिए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 और इसके साथ में कितने एटम अटैच हो रहे हैं? 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, SF6 की बात करते हैं, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 6 एटम है वो अटैच हो रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहला मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, AlCl3, BeCl2, BF3, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनमें आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप इनको काउंट करोगे तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं आ रहे, 8 इलेक्ट्रॉन से कम आ रहे हैं, तो इनको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है ये। ठीक है, या क्या बोल सकते हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इनको आप लुईस एसिड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर लिमिटेशन मैंने बताई है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया NO एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का एग्जांपल लिया। तो ये दोनों आप मॉलिक्यूल देखोगे तो इनमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? NO में काउंट कीजिए 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और NO2 में काउंट कीजिए 23 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये एक आपके पास में ओड नंबर आ रहा है, तो ओड नंबर वाली जो स्पीसी है वो क्या होती है? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। थर्ड नंबर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, अब देखो नाम से क्या लग रहा है, एक्सपेंडेड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यहाँ पे पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिए PCl5 एंड SF6, तो PCl5 में इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो कितने आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, और SF6 में इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो कितने आ रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गई, इसकी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन हो गई। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल की 3 लिमिटेशंस हो गई। इसके बाद में अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑक्टेट रूल है वो किस किस के बारे में नहीं बता पाता है। एक तो क्या है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप के बारे में नहीं बता पाता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप नहीं बता पाता है ऑक्टेट रूल। सेकंड क्या नहीं बता पाता है, ये स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाता, कैन नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट डिफाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये इसके ड्रॉबैक हो गए। और कई बार क्या होता है, जीनोन जो इनर्ट गैस है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वैसे तो हम क्या बोलते आ रहे हैं,
कि जो इनर्ट गेज होती हैं वो कभी भी किसी अदर स्पीसी के साथ में अटैच नहीं होती, सिंगल फॉर्म में होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे XCO F4, ठीक है, XCF6, ऐसी स्पीसीज आपने देखी होंगी। तो जीनोन क्या है, जीनोन एक इनर्ट गेज ही तो है, फिर भी ये बना रही है ना, किसी अदर स्पीसी के साथ में अटैच हो रही है, तो ये क्या है, इसका एक अदर एक्सेप्शन केस में मिलते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन केस है कि इनर्ट गेज वैसे तो नहीं बनाती, पर जीनोन है वो कई बार ऑक्सीजन और हेलोजन कंपाउंड से उनके साथ में अटैच हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लुईस सिंबल क्या होता है। लुईस सिंबल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका क्या होता है, लुईस सिंबल होता है। उसके बाद में हमने इसमें सिग्निफिकेंस की बात करी लुईस सिंबल की, तो मैंने आपको पीछे की क्लास में बता दिया था कि वैलेंसी जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो इसी का सिग्निफिकेंस है लुईस सिंबल का, ठीक है। सेकेंड हमने यहाँ पे क्या बात की, ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल इजिस है जिसपे किसी भी स्पीसी के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। उसके बाद में हमने बात की ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या है, तो उसमें हम तीन पॉइंट देखे हमने, इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम उसके एग्जांपल्स देख लिए, देन हमने किसकी बात की, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, ये तीन इसके लिमिटेशंस है। उसके बाद में इसके कुछ अदर लिमिटेशंस है, अदर ड्रॉबैक है, उनकी हमने बात करते हैं। तो क्या करते हैं, जीनोन जो है वो वैसे तो इनर्ट गेज किसी और स्पीसी के साथ में या किसी और एटम के साथ में अटैच नहीं होते, लेकिन जीनोन एक एक्सेप्शन केस है जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरिन के साथ में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ये पहला ड्रॉबैक हो गया। और सेकेंड जो ड्रॉबैक की बात करें तो हम ये क्या करता है, कैन नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट डिफाइन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्डिंग की भी थोड़ी थोड़ी बात कर ली, बाकी इनकी हम आगे फिर से डिटेल में बात करेंगे, सॉरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है।